माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदा जाड्यन्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॐ शान्तिः 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 अथ षड्लिङ्गेषु अजन्तपुलिङ्गः अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् कृत्तद्धित समासाश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च शुपः द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने विरामोपशानम् स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः नादिचे बहुशो बहुवचनम् चोटो विभक्तिश्च न विभक्तौ तुष्मः एकवचनं समुद्धिः यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम् एङ् ह्रस्वा समुद्धेः अमि पूर्वः लसक्व तद्धिते तस्माच्छसो नः पुंसि उपाग्नं व्यवायेऽपि पदान्तस्य टागसि गसामिनात्स्यः सुपि च अतोऽभिषायैस् गेर्यः स्थानीवदादेशो नल्विधौ बहुवचने झल्येत् वावसाने होषि च हर्षनद्यापुनोट् नामे आदेशप्रत्ययायोः सर्वादीनि सर्वनामानि जसहसि सर्वनाम्नः स्मै गसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ आमि सर्वनाम्नः सूट् पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरपराधराणि व्यवस्थायम संज्ञायाम् समज्ञातिधनख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा प्रथमाचरमातयाल्पार्धकतिपयनियमाश्च
जराया जरसन्या तरस्या दीर्घाजसि च सुडा नपुंसकस्य स्वादिश्व सर्वनामस्थाने यचिभम् आकडारादेका संज्ञा आतो धातोः जसि च ह्रस्वस्य गुणः शेषो घ्यसखि आङ्गो नास्त्रियाम् घेर्गिति गसि गसोश्च अच्च घेः अनंसौ ओलोन्त्यात् पूर्व उपधा सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ अपृक्त एकाल प्रत्ययः हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुतिश्च प्रक्तं हल नालोपः प्रातिपदिकान्तस्य चक्षुरा सम्बुद्धौ अचो यणते क्षत्यात्परस्य औत्पत्तिसमास एव बहुगुणावतुरतिसङ्ख्या दति च षड्भ्यो लोक् प्रत्ययस्य लुक्सुलोलुपः प्रत्ययालोपे प्रत्ययालक्षणम् नालुमताङ्गस्य त्रेस्त्रयः तदादीनामः दीर्घाजसि च योऽस्त्राख्यौ नदी अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः आर्णाद्यः आटश्च गेराम् नद्याम् निभ्यः गेराम् नद्याम् निभ्यः ये सूत्र महाले। चलिए भैया, इसमें अतिलक्ष्मी शब्द हो गया। अतिलक्ष्मी शब्द बहुश्रेयसी और अतिलक्ष्मी में केवल एक जगह पर रूपांतर होता है। बहुश्रेयसी के प्रथमायुग वचन में विसर्ग नहीं होता है। बहुश्रेयसी बहुश्रेयसी दीर्घ इकार तो है ही, और अतिलक्ष्मी में विसर्ग रहता है प्रथमायुग वचन में। क्यों? क्योंकि बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी शब्द है वो ज्ञंत होता है। ज्ञंत होने से क्या होगा? हल ज्ञाम्भो दीर्घा श्रुतिश्च प्रक्तम हल सूत्र से सु के सकार का लोप होगा तो विसर्ग नहीं होगा। और अतिलक्ष्मी में जो लक्ष्मी शब्द है हाँ, ये दीर्घ इकार अंत तो है, नित्य तिलिंग वाला भी है, लेकिन ज्ञंत नहीं है। ई प्रत्यय होता है, ई है ना, इसलिए हलज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुतिश्च प्रोक्तम हल सूत्र से सु के सकार का लोप नहीं होगा तो विसर्ग दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर दिया है आपके लघु में अज्ञंतत्वात् न सु लोप अतिलक्ष्मी शेषम बहुश्रेयसी वत। बाकी शेषम कहने से हैं एक प्रत्यय को छोड़ करके बाकी सभी प्रत्ययों में बहुश्रेयसी वत बहुश्रेयसी की तरह होगा रूप। ये हो गया है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं भी, देखो आगे है हाँ, अभी तो करेंगे ना उसको, वही चलाना है अभी। प्रधि प्रधि एक रूप है, अभी वही चलाने वाले तो बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी शब्द होता है वो भी नित्य स्त्रीलिंग वाला है, और अतिलक्ष्मी में जो लक्ष्मी शब्द है ये भी नित्य स्त्रीलिंग वाला है। दोनों नित्य स्त्रीलिंग वाला है, ठीक है, और दोनों दीर्घ इकारांत है, ठीक है।
इतना होने के बाद एक प्रधि शब्द आया, प्रधि। तो प्रधि शब्द देखो वहां पर दिया है, 5 नंबर में दिया है, प्रकृष्ट बुद्धि युक्त। प्रकृष्ट बुद्धि जिसके पास हो, इसका विग्रह लिख लो, विग्रह लिख लीजिए। प्रकृष्टा धीही यस्य स प्रधि, ऐसा है लिखे भैया। प्रकृष्टा धी यस्य, धी मतलब बुद्धि, और प्रकृष्ट कहने से क्या, अच्छी बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है। प्रकृष्ट बुद्धि जिसके पास हो उसको कहा जाएगा प्रकृष्ट, ये प्रधि, उसको कहा जाएगा प्रधि। प्रधि कहा जाएगा। यहां पर क्या है, ऐसा जब करेंगे तो, ऐसा जब विग्रह करेंगे तो धी शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाला है, धी शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाला है। क्योंकि बुद्धि, धी का अर्थ यहां पर बुद्धि है, लिख लीजिए बढ़िया से। विग्रह हो गया प्रकृष्टा धीर यस्य सह प्रधि, ही धी शब्द बुद्धिवाचक होने से, बुद्धिवाचक होने से नित्य स्त्रीलिंग वाला है, नित्य स्त्रीलिंग वाला है, है ना। इसलिए क्या हुआ, केवल धी शब्द तो नित्य स्त्रीलिंग वाला है, लेकिन अभी जो केवल धी शब्द नहीं चल रहा है, प्रधि शब्द चल रहा है, इसलिए क्या होगा, समास होने के बाद भी हैं, प्रधि में जो धी शब्द है उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, उसकी जो है नदी संज्ञा हो जाएगी। लिख लियो, अभी लिख लो। प्रथम लिंग ग्रहणम च, एक वार्तिक गया था, प्रथम लिंग ग्रहणम च, इस वार्तिक की सहायता से, वार्तिक की सहायता से नदी संज्ञा हो जाएगी, धी शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी। नदी संज्ञा होगी धी, धी की, धी की नदी संज्ञा होगी। नदी संज्ञा होने से नदी संज्ञा का कार्य होगा, नदी संज्ञा का कार्य हो जाएगा, है ना, नदी संज्ञा का कार्य हो जाएगा। अच्छा, और भी आपको स्पष्ट करा देता हूँ। और ज्ञान्त न होने के कारण, धी शब्द ज्ञान्त न होने के कारण, ज्ञान्त न होने के कारण प्रथमा एक वचन में सु का लोप नहीं होगा, प्रथमा एक वचन में सु का लोप नहीं होगा, सु का लोप नहीं होगा। हो गया, प्रधि प्लस सु का सकार आया प्रथम एक वचन, प्रधि प्लस सु का सकार। ज्ञानता नहीं है, इसलिए हल ज्ञाव्य दीर्घा सूति से प्रथम हल नहीं लगेगा, तो सु के सकार का लोप नहीं होगा। तो सु के सकार का जब लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा, सकार को रू,
रूके रेफो को विसर्ग तो बन जाएगा प्रधिही। तो वो दिया है ना आपको रूप दिया लघु में प्रधिही है ना, प्रधि दिया है। अच्छा उसके बाद प्रधि प्लस औ करिए, प्रधि प्लस औ प्रधि प्लस औ में सबसे पहले भाई देखो प्रधि का दीर्घ इकार है ना, एक मिनट, प्रधि है, प्रधि का धी का इकार दीर्घ इकार हो गया, उसके बाद औ है, उसके बाद औ, यहाँ पर क्या प्राप्त है मालूम है, एको एणची प्राप्त है, एको एणची प्राप्त है ना, है कि नहीं, एको एणची प्राप्त है। प्रथम यो पूर्व सवर्ण लगेगा, प्रथम यो पूर्व सवर्ण, क्योंकि दीर्घा जसिच निषेध करता है, प्रधि का दीर्घ इकार से परे आगे क्या है, इच है ना, दीर्घा जसी इचिच परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ, इले पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ जब नहीं होगा इको यणची से यण आदेश प्राप्त है, लिखो इको यणची से प्रधि के इकार को यण प्राप्त है, प्रधि के इकार को यण प्राप्त है, ठीक है राजू। हाँ हाँ तो क्या प्राप्त हुआ फिर, इको यणची प्राप्त हुआ कि नहीं, इको यणची से यण प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र आ रहा है, अग्रिम सूत्र आ रहा है, अग्रिम सूत्र आ रहा है। अतिष्णु धातु भ्रुवाम यरियंग वंगो, हाँ हंसना नहीं भैया, हाँ यहाँ पर सूत्र को देख करके लोग सुन करके हंस जाए, हंसते हैं। अतिष्णु धातु भ्रुवांग यौरियंग वंगौ, अतिष्णु धातु भ्रुवांग वर्यंग वंगौ, सूत्र में देखो एक दो तीन चार, चार पद है, चार पद, पहला हो गया अचि, अच प्रातिपदी का सप्तमी एक वचन हो गया अचि, अचि। दूसरा पद है श्रु धातु भ्रुवांग, षष्टी का बहुवचन है, षष्टी का बहुवचन, श्रु धातु भ्रुवांग, तो प्रातिपदिक हो जाएगा श्रु धातु भ्रु दीर्घ युकार, सुनो धातु उसके बाद क्या है भ्रू दीर्घ उकार, इसका षष्ठी बहुवचन बनता है भ्रुवाम, प्रातिपदिक में दीर्घ उकार है हो जाता है हर्ष उकार हो जाता है, तो विच्छेद कैसे करेंगे, प्रातिपदिक में सुनो प्लस धातु प्लस भ्रू दीर्घ उकार, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखो व यो हो, अवयव हो षष्टी का द्विवचन, षष्टी का द्विवचन, हाँ प्रातिपदिक क्या होगा, हाँ प्रातिपदिक हो जाएगा यु, यु दीर्घ उकार दीर्घ, हाँ यकार आधा है आगे दीर्घ उकार को जोड़ दिया, हाँ तो यू 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 प्रातिपदिक होगा, यू प्रातिपदिक का षष्ठी द्विवचन में होगा यो हो,
समझ में ना, क्योंकि यू के उकार को यण कर दिया, आगे ओस को जोड़ दिया तो क्या बन गया, जो वो हो है ना। हाँ शुक्ला जी समझ में आ रहा है। हाँ तो यवो हो में प्रातिपदिक क्या है? हाँ यू प्रातिपदिक हो गया यू। और यू में भी जो है ना, यू में द्वंद समास है। यू में द्वंद समास है, विच्छेद कैसे करेंगे? ई प्लस ऊ ऐसा करना है, ई प्लस ऊ कर लीजिए, इश्च उश्च इति यू ऐसा करना है, हर्ष 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 ई प्लस ओ। हाँ ई उसके ना 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 ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, पहले आप करिए तो आप करिए है ना, ई प्लस ओ, ई प्लस ओ, ई प्लस ओ जो है ना। हाँ ई प्लस ओ मैंने पहले दीर्घ उकार बोला था क्या? प्रातिपदिक प्रातिपदिक दीर्घ उकार बोला। अच्छा दीर्घ उकार बोला तो मुझे लगता है गलत बोला, दीर्घ उकार नहीं हर्ष उकार करो। हर्ष उकार ही करो, प्रातिपदिक हर्ष उकार करना पड़ेगा है ना। तो ई प्लस ऊ करो, ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ, ठीक है। देखो यहाँ पर संधि कर लीजिए, ई के ई को क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा ना, ई को यण जैसे यण हो गया है, तो यकार आधा हो गया, आगे ऊ हो गया कि नहीं, तो प्रातिपदिक क्या होगा, यू हो गया, यू हो गया ना। इसका षष्ठी द्विवचन करना है ये वो हो। हाँ मैंने गलत बोल दिया, दीर्घ उकार बोल दिया, हर्ष उकार करो। तो ई का अर्थ ई वर्ण लिखो, ई का अर्थ ई वर्ण, और ऊ का अर्थ ऊ वर्ण, ई का अर्थ ई वर्ण, ऊ का अर्थ ऊ वर्ण, समझ में ना। क्योंकि ईकार के कितने भेद होते हैं, अठारह भेद होते हैं ना, आप लोग जानते हो ना, हर्ष दीर्घ प्लुत फिर उदात्त अनुदात्त सरित फिर अनाशिक अनुनाशिक, ऐसा होता है ना भेद। तो ईकार के कितने होते हैं, ई के अठारह भेद, ऊ के भी अठारह भेद होते हैं, संज्ञा प्रकरण में आया। तो मतलब कहने का मतलब, चाहे ईकार हर्ष हो दीर्घ हो चाहे प्लुत हो, ऊ भी उसी प्रकार हर्ष हो दीर्घ हो प्लुत हो, ये तीनों को ग्रहण करना है, ठीक है। अच्छा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको अभी क्यों ऐसा कह रहे हैं। अच्छा ये जो यवो हो मैं प्रातिपदिक हो गया यू, मतलब ई वर्ण और ऊ वर्ण, ठीक है। ये षष्ठी का द्विवचन कहा, इसका अन्वय लिखो, इसका अन्वय धातु के साथ है, इसका अन्वय धातु के साथ है, अर्थात धातु का विशेषण है, धातु का विशेषण, धातु का विशेषण के रूप से अन्वय है, लिखते जाओ। ई वर्ण उवर्ण का अन्वय धातु के साथ विशेषण के रूप से है, विशेषण के रूप से है, समझ में ना, विशेषण के रूप से है। धातु हो जाएगा विशेष्य और ई वर्ण उवर्ण हो जाएगा विशेषण। ये धातु क्या होगा, ई वर्णांत धातु अथवा उवर्णांत धातु, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद लिखो इयंगु बंगौ, हाँ इयंगु बंगौ हर्ष इकार, इयंगु बंगौ प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन होने से आदेश स्वरूप हो गया, आदेश स्वरूप, प्रथमांत होने से
आदेश बराबर यंग और उबंग, यंग हर्षय कर है, यंग और उबंग, ठीक है भाई। आदेश कितने हो रहे हैं? दो, एक आदेश हो रहा है यंग, दूसरा आदेश हो रहा है उबंग, समझ में ना। अच्छा, तो यंग और उबंग जो हो रहा है किसको हो रहा है? स्थानी भी दो हो जाएंगे, स्थानी भी दो हो जाएंगे। हाँ, कैसे स्थानी दो हो जाएंगे बताऊंगा। एक इवर्णांत अंग, दूसरा है उवर्णांत अंग, लिखो। इवर्णांत, दूसरा हो जाएगा उवर्णांत, उवर्णांत है ना। स्थानी हो गए दो, एक होगा इवर्णांत, दूसरा हो जाएगा उवर्णांत। और इवर्णांत और उवर्णांत कौन कौन होंगे है, इसलिए कहा स्नु धातु भ्रुवां, ठीक है। सुनु मतलब प्रत्यय, लिखो। सुनु मतलब प्रत्यय, एक प्रत्यय होता है सुनो, तिंगंतम आएगा, स्वादि गण में सुनो, स्वादिभ्य सुनो, स्वादि गण पठित धातु में, सार धातु में सुनो प्रत्यय होता है, सुनो विकरण होता है। आगे जब आएगा समय, जब आगे का, जब आगे आएगा तो उसके बारे में ज्यादा क्यों दिमाग खर्च करना है, जब आएगा ही उसको जो छेड़ोगे तो फिर माथा गर्म होगा, फिर पार्टी छोड़ दोगे लोग। तो स्नु का अर्थ प्रत्यय। अब प्रत्यय होने से क्या होगा? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इसलिए स्नु से लेना है स्नु प्रत्ययंत, स्नु प्रत्ययंत अंग, स्नु प्रत्ययंत अंग, ठीक है ना भाई। स्नु प्रत्ययंत अंग, ठीक है। हाँ, और यह सूत्र देखो, यह सूत्र अंग के अधिकार में है, यह सूत्र अंग के अधिकार में है, इसलिए उत्तर में प्रत्यय, उत्तर में अंग के उत्तर में मतलब अंग के पर में प्रत्यय शब्द अर्थापत्ति से प्राप्त हो जाएगा। अंग से परे प्रत्यय शब्द अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त हो जाएगा, अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त हो जाएगा। अर्थापत्ति तो आप लोग जानते हो, वेदांती को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता होगा, ये अर्थापत्ति हो गया। उपपाद्य ज्ञान न उपपादक कल्पनम, अर्थापत्ति ही। इस बगैर यहाँ पर भी घटाओ भाई, सूत्र अंगों के अधिकार में है, 6-4-7 बोल दिया ना, अंगों के अधिकार में है। अंग कब होगा? पर में कोई प्रत्यय हो तब तो पूर्व की अंग संज्ञा होगी, है ना, इसलिए पर में प्रत्यय जरूर होना चाहिए। और उसी प्रत्यय का विशेषण है अचि, लिखो। प्रत्यय का विशेषण अचि पद है, प्रत्यय का विशेषण प्रत्यये ऐसे लिखो, प्रत्यये सप्तमी एक वचन, प्रत्यये का विशेषण अचि पद है, अचि पद है, इसलिए विशेषण सप्तमंत होने के कारण, विशेषण सप्तमंत होने के कारण प्रत्यय अजादी होना चाहिए, प्रत्यय अजादी होना चाहिए, प्रत्यय
औजादी होना चाहिए। तो अंगों के पर में प्रत्यय हो, लेकिन प्रत्यय कैसा हो? औजादी हो। प्रत्यय कैसा हो? औजादी हो, है ना। जैसे अभी प्रधि शब्द आ रहा है कि नहीं, तो प्रधि के पर में औजादी प्रत्यय औ जस आम औड़ सस टा ये सब औजादी है कि नहीं, सभी में लगेगा अभी, है ना। इसलिए सूत्र का अर्थ ऐसा है। आगे लिखो, सूत्र का अर्थ ऐसा है। पहले उच्चारण करा लेते हैं। सुनो प्रत्यांतस्य, पढ़िए, सुनो प्रत्यांतस्य ईवर्णो वर्णांतस्य धातोर ईवर्णो वर्णांतस्य धातोर भ्रू इत्यस्य च अंगस्य, भ्रू इत्यस्य च अंगस्य यंगु वंगौ स्तो, यंगु वंगौ स्तो अजादौ प्रत्यये परे, अजादौ प्रत्यये परे। अब अर्थ लिखो। सुनो प्रत्यांत अंग, सुनो प्रत्यांत अंग और ई वर्णांत उवर्णांत धातु, ई वर्णांत उवर्णांत धातु, ई वर्णांत उवर्णांत धातु और भ्रु ऐसा शब्द, भ्रु ऐसा अंग, शब्द न करे अंग लिखने से हो जाएगा, भ्रु ऐसा अंग, भ्रु ऐसा अंग, भ्रु में दीर्घ उकार, भ्रु ऐसा अंग को क्रम से यंग और उवंग आदेश हो, क्रम से यंग हर्षो इकार यंग और उवंग आदेश हो, यंग और उवंग आदेश हो, अजादी प्रत्यय परे रहते, अजादी प्रत्यय परे रहते, अजादी प्रत्यय परे रहते, है ना। आदेश कितने हो रहे हैं? आदेश दो, पहला आदेश हो गया यंग, यंग वकारांत यंग, और दूसरा हो रहा है उबंग। आदेश दो है, स्थानी कितने हैं मालूम है? स्थानी को भी दो लेना है। दो कैसे हो जाएंगे? एक तो ई वर्णांत, देखो सुनु प्रत्यांत कहने से उवर्णांत ही होगा, उसके बाद उवर्णांत धातु वो भी उवर्णांत ही है, और भ्रु ये भी उवर्णांत, इसको एक ही मान लो। जाति को लेंगे तो एक ही हो जाएगा, जैसे मनुष्य तो चार प्रकार के है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन मनुष्य तो कितना है? एक ही होगा कि नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार से सुनु प्रत्यांत उवर्णांत धातु और भ्रु है, ये तीनों तो अलग अलग दिखाई दे रहे, लेकिन उवर्णांत तो तीनों में रहेगा, तो एक ही हुआ कि नहीं हुआ? तो जाति लेंगे तो एक ही हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर समझ कर रख लो। ठीक इसी प्रकार इवर्णांत धातु, इवर्णांत धातु तो बहुत सारे मिल जाएंगे, सबको एक ही ले लो, तो इवर्णांत के स्थान पर क्या होगा? यंग आदेश होगा, और उवर्णांत चाहे स्नु प्रत्यांत हो, चाहे उवर्णांत धातु हो, चाहे भ्रू हो, सबको क्या हो जाएगा? उवंग आदेश हो जाएगा। पर में क्या चाहिए? औजादी प्रत्यय हो, पर में औजादी प्रत्यय हो। एक उदाहरण आप लोगों को दिखा देते हैं भैया। जैसे अभी आएगा नी शब्द आएगा,
लिखो तो थोड़ा सा नी शब्द आएगा, सुश्री भी आएगा। लिख लीजिए नी दीर्घ इकारांत नी शब्द, उदाहरण बता रहा हूँ। नी शब्द, ये नी शब्द क्या है, धातु है भाई। नयति इति निहि, जो ले जाने वाला है, नेता है, प्रजा को आगे बढ़ाने वाला को कहा जाएगा नेता, है कि नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी, तो नी हो गए, तो नी हो गया दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत हो गया नी, है ना, ये धातु है भी। उसके बाद आएगा औ प्रत्यय ले लो, प्रथमा द्विवचन हो गया औ, नी प्लस औ, नी प्लस ओ, तो नी है, तो नी के इकार को इकोणिति से यण नहीं होगा अभी, तो नी के इकार को क्या हो जाएगा, यंग, यंग का क्या रहेगा, य रहेगा, यंग का य रहेगा, है ना। गकार की इत संज्ञा है भाई, गकार की इत संज्ञा है ना। और अकार जो है, अकार जो है उच्चारण के लिए है, अकार जो है ना उच्चारण के लिए है, कि इत संज्ञा के लिए, ओकार की तो इस संज्ञा होगी हलंत्यम से, हलंत्यम से गंकार की इस संज्ञा होगी। और जो एक मिनट जो है, यंग में जो ओकार है ना, य में जो ओकार है वो उच्चारण के लिए होना चाहिए, इस संज्ञा क्या प्रयोजन है आपको, रुक जाइए। नहीं, वकार उच्चारण के लिए है, गकार की संज्ञा होगी हलंत्यम से, और यकार उत्तरवर्ती अकार उच्चारण के लिए, तो यम का रहेगा यकार हल, य, ठीक है भाई, आदेश बराबर य, लेकिन जो आदेश है अनेकाल है, तो अनेकाल होने से नी के पूरे के स्थान पर बैठना चाहिए, लेकिन अनेकाल आधे यदि गीत हो जाएगी ना, तो अंतिम अल के स्थान पर होता है गीत, इसलिए नी के इकार को यंग आदेश होगा। लिखो नी के इकार को यंग आदेश हुआ, हैं? तो नी के इकार को जब यंग आदेश हो गया तो कितना अधिक जुड़ गया, यकार अधिक जुड़ गया और क्या, और नी में दीर्घ इकार था उसको हर्ष हुआ, तो नी के दीर्घ इकार को यंग आदेश होने से नीय आगे औ तो जोड़ दिया, तो क्या हो गया नीय, आगे लघु में है ना, देखो लघु में पन्ना पलट दो, पन्ना पलट दो, 48 नंबर पेज तीसरी नंबर पंक्ति में सेंटेंस में दिया है, देखो नियौ दिया है, हाँ, अनेकाच किम निहि नियौ, ये प्रथमा का द्विवचन का है, और प्रथमा का बहुवचन का है नियह दिया है, है ना शुक्ला जी, मिला आपको। हाँ, तो ये यंग का आपको उदाहरण बता दिया, ऐसा हो जाएगा इवानांत जो कोई भी धातु होगा तो। अच्छा, इसी प्रकार हाँ उवर्णांत यदि होगा तो उसको उभंग आदेश हो जाएगा, चाहे सुप प्रत्यंत हो, चाहे उवर्णांत धातु हो, उवर्णांत धातु का शायद यहाँ पर दिया हो उदाहरण तो कह नहीं सकते, उवर्णांत धातु का उदाहरण आगे दिया होगा, जैसे वहाँ पर आएगा भू शब्द आएगा, भू जे स्वयंभू है ना, स्वयंभू, हाँ लिख लो, स्वयंभू है, स्वभू है, वो सब आ जाएगा, स्वयंभू लेको भगवान का नाम है, स्वयंभू अथवा स्वभू दोनों में हो जाएगा, स्वयंभू अथवा स्वभू,
स्वयंभू प्लस दीर्घ ए, स्वयंभू प्लस औ प्रथमादिवचन, स्वयंभू प्लस औ प्रथमादिवचन, स्वयं भवति इति स्वयंभू, भगवान शंकर महादेव स्वयं प्रकट होते हो, स्वयं प्रकाश है वो, स्वयं सत्ता वाला है वो। स्वसत्ता का मतलब वेदांत के अनुसार स्वसत्ता को अपनी सत्ता वाला परमात्मा है वो। तो स्वयंभू प्लस औ, यहाँ पर स्वयंभू में जो भू शब्द है वो धातु है, वो भू शब्द हो गया उवर्णांत धातु है ना। उसके बाद औ आया, प्रथम अधिवचन में आया औ है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भू के उकार को उबंग हो जाएगा, भू के उकार को उबंग, उबंग का उब रहेगा, उब उब वकारांत उब रहेगा, ठीक है। तो किसका हुआ, उकार को हो गया, भू के उकार को, भू के उकार दीर्घ उकार था, दीर्घ उकार के स्थान पर उब बैठा दिया, आगे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, स्वयं भुवो है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और भ्रू शब्द है, केवल भ्रू, भ्रू ऐसे भ्रू होता है चक्षु के ऊपर, भ्रू है हाँ, उसको भी हो जाएगा उबंग, तो वहां पर भ्रुव बन जाएगा, ये सब होता है। तो आपके उदाहरण में चल रहा है, उदाहरण चल रहा है आपका प्रदी, हाँ अभी समय हो रहा है, ठीक है फिर हाँ, तो कल करते हैं फिर। ओम नृत्ताबसारे नटराज राजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः शनकादिसिद्धा नैतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।